Hey guys, this is Swati from EME Technologies. Welcome to our channel. And आज का जो हमारा topic है, जो CCNA series हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम आज पढ़ेंगे router fundamentals के बारे में. Routers के बारे में आपको definitely पता होगा कि router एक device है जो कि internetworking करने में help करता है, जो हमें WAN में, wide area network में, different networks को connect करने में help करता है by the process of routing. Now routing क्या है? Routing is the process of finding the best path for a packet when you have multiple paths available. Means कि जब हमारे पास बहुत सारे paths available हों एक जगह पे दूसरी जगह तक packet send करने के लिए, तो कौन सा best path रहेगा वो choose करना, that decision process is called as routing, जो कि router करता है. तो अब हम router के बारे में detailed study करेंगे, जिसमें first है router components. सो राउटर कंपोनेंट्स में हम डिफरेंट जो राउटर के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है प्रोसेसर. सो प्रोसेसर आपको बताया कि प्रोसेसर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि प्रोसेसिंग करता है. जो भी आप राउटर पर जो है कमांड्स लगाएंगे, उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प करेगा प्रोसेसर. सेकेंड इज रोम. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमरी, जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है. दैट मींस कि अगर हम उसका पावर सोर्स बंद कर दें तो उसमें जो कंटेंट्स हैं वो डिलीट नहीं होते हैं. तो रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसमें फर्दर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि एक टेस्ट सीरीज है. जब राउटर आप ऑन करते हो तो जो राउटर है वो अपने आप को टेस्ट करेगा कि कोई कंपोनेंट ख़राब तो नहीं है, ऑल कंपोनेंट्स आर वर्किंग फाइन और नॉट, एंड उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो आपको स्क्रीन पर शो कर देगा. सेकंड इज बूटस्ट्रैप प्रोग्राम. बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है प्रोसेसर के हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है जब आप बूटिंग करते हैं, एंड उसके बाद जो है बूटिंग प्रोसेस को इनेबल करता है. यानी कि बूटिंग क्या है? जब आप सिस्टम को ऑन करते हो, जब सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, उसे हम कहते हैं बूटिंग. सो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या है? जो बूटिंग करने में प्रोसेसर की राउटर की हेल्प करेगा, दैट इज कॉल्ड एज बूटस्ट्रैप प्रोग्राम. थर्ड इज मिनी आईओएस. मिनी आईओएस कंपोनेंट जो है वो हर राउटर में नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक राउटर्स में मिनी आईओएस अवेलेबल होता है, एंड इसका यूज़ हम करते हैं जब हमारे पास मेन ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल ना हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्मॉलर वर्जन हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसको हम कहते हैं मिनी आईओएस. नेक्स्ट है रोम मोनीटर. रोम मोनीटर यूज़ होता है जो यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं, जो आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उनको डीबग करने के लिए. नेक्स्ट इज रैम. सो रैम क्या है? रैम जैसे हमारे सिस्टम में रैम होती है कि जहाँ पर हमारी एक्टिव फाइल्स पड़ी होती हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल. अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो रैम में विंडोज़ या लिनक्स, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करें वो पड़ा होगा. उसी तरह से अगर हम राउटर्स की बात करें, राउटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को आईओएस कहते हैं, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सो रैम में आईओएस की इमेज होती है. इसके अलावा रैम में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं एंड राउटिंग टेबल्स होते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्लैश. फ्लैश वो मीडियम है जहाँ से राउटर जो है आईओएस इमेजेस को बूट करता है. उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर. कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वो है जिसमें राउटर की सेटिंग्स होती हैं, और जैसे आपने कुछ भी राउटर पे नेम दिया है, आपने उसकी कोई और सेटिंग्स चेंज की हैं, तो वो सारी सेटिंग्स हमें कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में मिलती हैं. एंड कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल में 0x2102. नेक्स्ट कंपोनेंट है NVRAM, दैट इज़ नॉन वॉलेटाइल रैम, जो कि एक रैम की तरह ही काम करता है, और इसमें राउटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड स्टार्टअप फाइल होती है. स्टार्टअप फाइल इज़ कि जब राउटर बूट करता है तो आपने अगर कुछ उस पर कॉन्फ़िगरेशन करके सेव की है तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेव होती है. सो वो स्टार्टअप फाइल जो है वो हमें NVRAM में मिलती है. नेक्स्ट इज राउटर बूट सीक्वेंस. जब हम राउटर की बूटिंग करते हैं तो उसमें किस तरह से प्रोसेसर्स फॉलो होती हैं? द फर्स्ट वन इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. जब भी आप राउटर को ऑन करोगे तो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, जैसे कि कंप्यूटर्स में भी होता है, उसी तरह से राउटर भी जब आप ऑन करते हो तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, जिसमें वो अपना हार्डवेयर कंपोनेंट्स और मेमोरी को टेस्ट करता है. उसके बाद रोम में जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है उसको
लोड किया जाता है रोम से एंड उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम फर्दर आईओएस इमेज को लोड करता है, कहाँ से? वो वैल्यू स्पेसिफाइड होती है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू से। तीन जगह से हम बूटिंग कर सकते हैं, वो है फ्लैश, रैम एंड डीएफटीपी सर्वर। उसके बाद जो सिस्को आईओएस है वो हार्डवेयर को लोकेट करता है उसके और उनकी लिस्ट को डिस्प्ले करेगा कंसोल पर कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे राउटर के साथ कनेक्टेड हैं। इसके बाद आईओएस जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करता है, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो एनवीआरएम में होती है उसको लोड करने की कोशिश करता है। अगर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल एनवीआरएम में नहीं है तो राउटर सेटअप डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले कर देता है जिसमें आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है राउटर के मोड्स। राउटर पर जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम ज़्यादातर कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करते हैं, और जब हम कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करते हैं तो वहाँ पे राउटर के कुछ मोड्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगर आपको मोड्स की समझ नहीं होगी तो आपको आगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड्स रन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। सो बहुत ध्यान से सुनिए। फर्स्ट इज यूज़र एग्जिट मोड। जब भी आप राउटर पर लॉग इन करोगे तो सबसे पहले जो मोड हमें डिस्प्ले होता है वो है यूज़र एग्जिट मोड। ये जो है बहुत ही बेसिक मोड है, कुछ बेसिक कमांड्स चलते हैं इस पर, लाइक हम कह सकते हैं हेल्प। सेकेंड इज प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड होता है कि जब हमें राउटर पे कॉन्फ़िगरेशंस की चेकिंग करनी है, बेसिकली ज़्यादातर प्रिविलेज मोड जो है वो वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। एंड उसके बाद थर्ड मोड है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, जिसमें राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस हम करते हैं। नाउ आई विल शो यू कि जो डिफरेंट मोड्स हैं राउटर पे वो कैसे होते हैं। सो इसके लिए मैंने लिया है सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर एक टूल है जो कि हम सिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पे राउटर्स हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस आप देख रहे हो। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट राउटर्स दिखेंगे। राउटर्स हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एंड डिवाइसेस दिखेंगे। ये जो ऑरेंज कलर का आइकन है दैट इज़ फॉर कनेक्शन। जब हम केबल्स लेंगे तो हम यहाँ से इस सेक्शन से सिलेक्ट करेंगे। एंड स्विचेस के लिए हमारे पास है यहाँ पर स्विचेस, तो कई सारी स्विचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर नाउ आई विल शो यू द राउटर। सपोज मैंने राउटर लिया है ये वाला। राउटर को ड्रैग करके आप वर्क स्पेस पे लेके जाएंगे। ड्रैग करने के बाद इस पर राउटर पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद हमारे पास चार टैब्स हैं, फिजिकल, कॉन्फिग, CLI एंड एट्रीब्यूट्स। हमें काम करना है CLI पर, तो हमने CLI पर क्लिक किया। CLI पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो सारी हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी पढ़ा था वो डिस्प्ले होती है। वो ये है कि PT2005 प्रोसेसर है हमारे पास, सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है, 4 हमारे पास फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स हैं, 2 सीरियल पोर्ट्स हैं। ईथरनेट पोर्ट यूज़ होता है जब हमें राउटर टू स्विच कनेक्ट करना है या राउटर टू PC कनेक्ट करना है। अगर हमें राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है तो हम यूजुअली सीरियल पोर्ट्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस राउटर पे 4 फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स हैं एंड 2 सीरियल पोर्ट्स हैं, विच मीन्स कि हम इस राउटर से 4 स्विचेस एट मोस्ट एंड 2 राउटर्स एट मोस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। अभी हमने राउटर बूट सीक्वेंस में पढ़ा कि अगर राउटर को कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं मिलती है, सेटअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं मिलती है, तो वो सेटअप डायलॉग बॉक्स में चला जाता है। सो दिस इज सेटअप डायलॉग बॉक्स। अगर आप चाहते हो सेटअप डायलॉग बॉक्स में हमें कॉन्फ़िगर करना है तो वो हम यस करेंगे, अदरवाइज हम नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस कर देते हैं तो इससे क्या होता है, राउटर आपको ऑप्शन देता है कि इसका नाम सेट कीजिए, पासवर्ड सेट कीजिए, सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी। एंड अगर आप उसका आंसर नहीं देते हो तो आप उसको एग्जिट नहीं कर सकते हो। सो फॉर दैट रीज़न आई एम राइटिंग हियर नो, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं इसको अपने अकॉर्डिंग जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं सिर्फ उसको उतना ही कन्फिगर करूँ। सो नो लिख के मैंने एंटर किया। प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। अगेन हम एंटर प्रेस करेंगे। सो यहाँ पर अब आ गया है राउटर एंड ग्रेटर देन का साइन, जिसको हम कहते हैं यूज़र एग्जिट मोड। सो यूज़र एग्जिट मोड से अगर हमें नेक्स्ट मोड पे जाना है जो है प्रिविलेज मोड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनेबल।
इनेबल लिख के मैंने एंटर प्रेस किया तो अब मेरे पास आ रहा है राउटर हैश। राउटर हैश प्रिविलेज मोड आ गया है। प्रिविलेज मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए हम लिखते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो अब मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है राउटर कॉन्फ़िग हैश और इसको हम कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड जिसमें हम राउटर्स की सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो दैट्स इट अबाउट राउटर फंडामेंटल्स टुडे। कल हम देखेंगे राउटर्स पर आगे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना जिसमें होगा राउटर पे नेम चेंज करना एंड समथिंग लाइक कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स की वैल्यू चेंज करना, वो सब हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So thank you so much for watching. Till that time, keep watching our channel. Thank you. Keep learning. Bye-bye.